जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है। उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे चार सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो इसका कंडेम करते हैं, करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है ये एलओसी से बहुत दूर है, ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तश्वीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं, और जिसकी वजह से चार आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। भारत सरकार के आवासनम एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ को कल 5 पुरस्कार मिलने जा रहा है। सूडा नगर निगम बिलासपुर रायगढ़, नगर पालिका चापा और भाटापारा, ये पुरस्कार स्पार्क यानि केंद्र सरकार के योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में जो काम किया गया है, महिला स्वसहायता समूह के आत्मनिर्भरता के लिए, उद्यमता के लिए जो काम हुआ है, इन कामों के लिए ये पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर ओएसी कह रहे हैं कि पीएम कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे, तो फिर ये क्या है, ये सरकार की विफलता है? केंद्र सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम हो रहे हैं। ओवैसी की निष्ठा, ओवैसी की बातें पूरा देश जानता है। सर, महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि देशभर के सैनिक अपनी ड्यूटी करने कश्मीर आते हैं लेकिन ताबूत में वापस जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि घाटी में आतंकवाद समाप्त हो गया तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर को अशांत रखना चाहते हैं ये उसी सोच वाली बात है, पर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा बल के जवान देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका जो त्याग, तपस्या और बलिदान है ये किसी भी कीमत पर जाया नहीं जाएगा।